ब्लॉग बाजार के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आप देख रहे हैं ब्लॉग बाजार की एक और फ्रेश वीडियो। सो गाइज, आज सेकरी कार्ट एक और रोहित भैया के साथ दोबारा से हम आ चुके हैं और आज की जो गाड़ी होने वाली है वो है ऑल्टो। और ऑल्टो में हमने बहुत तगड़ा साउंड का जो सिस्टम है वो हमने पूरा इंस्टॉल किया है। सो भैया, क्या क्या कंपोनेंट और किस किस तरीके के कंपोनेंट जो है वो गाड़ी में लगे हैं? इसके अंदर हमने जो रॉकफोर्ड के पंच सीरीज़ के कंपोनेंट लगाए हैं और रॉकफोर्ड के ही पंच सीरीज़ के ओवल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। पाइनियर का सबवूफर 300 वाट RMS का इंस्टॉल किया है। ठीक है। उसके साथ हमने इसके अंदर मोनो एम्प वोकल कंपनी का ऑडिटर सीरीज़ का लगाया है। ओके। बाकी मैं आपको एक बार गाड़ी के अंदर पाइनियर का हेड यूनिट लगाया है। तो ये चीज़ें मैं आपको एक बार देख लेते हैं कि गाड़ी किस तरीके से पूरी तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो रोहित भैया, एक बार मुझे ज़रूर बता दें कि हमने जो ऑल्टो में क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या आपके स्पीकर्स हमने लगाए हैं। इसके अंदर हमने ये रॉकफोर्ड फॉस गेट के कंपोनेंट स्पीकर्स लगाए हैं। ठीक है। जो पंच सीरीज है इसकी, जो सबसे हैवी सीरीज है। ठीक है। एक ये रॉकफोर्ड फॉस गेट के ओवल स्पीकर्स लगाए हैं। ठीक है। जो सबसे हैवी है इसके अंदर। ओके। और इसके अंदर हमने अपना रॉकफोर्ड का ही कन्वर्टर, टू चैनल कन्वर्टर लगवाया है। ठीक है। जो सबसे क्लैरिटी उसकी, जो सबसे अच्छी आउटपुट निकल के आती है। ठीक है। साथ में इसके अंदर हमने टोकल का मोनो एम्प लगाया है और एक सोनी का फोर चैनल का एम्प लगाया है। ठीक है। एक बार देखते हैं कि गाड़ी में किस तरीके से काम हुआ है। और गाइस, एक बार ये चेक कर लो कि ये है आपका रॉकफोर्ड का, आपका जो ओवल स्पीकर्स हैं जो हमने बैक में लगाए हैं, ये हमारा जो कंपोनेंट है जो हमने फ्रंट डोर्स में लगाया है। राइट। सो एक बार देखते हैं गाड़ी किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से क्या क्या काम हुआ है। सो एक बार देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। गाड़ी में हमने आ रहे जो हमने बताया कि रॉकफोर्ड के आपका कंपोनेंट जो स्पीकर्स हैं वो हमने यहाँ लगवाए हैं। हमने जो इसका ट्विटर्स हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन की है। बात करते हैं इसके बैक साइड में कि और क्या क्या काम हुआ है। बैक साइड में एक बार मैं डिक्की ओपन करके देखता हूँ इसकी। बात करते हैं इसकी डिक्की में, ये हैं ओवल स्पीकर्स जो रॉकफोर्ड के लगे हुए हैं। पॉइनर का हमने वूफर 300 RMS जो हमने लगवाया है। और ये प्रॉपर जो है एक बॉक्स बना है जिसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुई है पॉइनर की। रॉकफोर्ड के आपका ओवल शेप के जो स्पीकर्स हैं वो लगे हैं। अब देखते हैं इसमें जो आपका चैनल लगा हुआ है वो चैनल कौन कौन से चैनल लगे हैं। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये है आपका जो सोनी एक्सप्लोर, सोनी का एक एम्प यहाँ लगा है और एक आपका फोकल का जो है एम्प वो यहाँ लगा है। सो रोहित भैया से पूछते हैं कि भैया किस किस कितने वॉट के जो है आपके जो एम्प लगे हैं और वो कौन कौन से हैं, किस कंपनी के, वो आप एक बार मुझे ये एक्सप्लोर, सोनी एक्सप्लोर का हमने 1000 वॉट का एम्पलीफायर लगाया है। ठीक है। इसके साथ हमने स्पीकर्स को और कंपोनेंट्स को इसके साथ लोड दिया है। ठीक है। और ये मोनो एम्प है। ओके। ऑडिटर फोकल कंपनी का। ठीक है। इसके साथ हमने सबवूफर को अटैच किया है। ठीक है। तो गाइस, एक बार देख सकते हो, ये है आपका टोटल जो हमने इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें कि ये है आपका सेंटर में वूफर और ये आपका इस साइड में जो है ओवल है और इस साइड में जो आपका वो ओवल है। सो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं और किस तरीके से आउटपुट इसका आ रहा है। सो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। Thank you.
गाइस काम जो हो चुका है पूरा ऑल्टो में, और भैया की जो गाड़ी है, भैया एक बार अपना नाम बता दो मेरे व्यूअर्स। मेरा नाम विवेक है। और कहाँ से आए? वसंतपुर। सो गाइस वसंतपुर से भैया आ रहे हैं। सो भैया किस तरीके का आउटपुट लगा, काम किस तरीके का लगा वो एक बार? बहुत अच्छा हुआ है, आउटपुट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक बार भैया कॉस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे, भैया टोटल खर्चा कितना आ गया, जितने भी हमने जो कंपोनेंट लगाए हैं आपका, आपके एम्पलीफायर लगाए हैं हमने, एक बेस ट्यूब लगाया, सॉरी आपका एक सबवूफर लगाया, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई? 32,000। टोटल 32,000। सो आप एक चीज़ मैं और अपने व्यूअर्स को ज़रूर बता दूँ कि अगर आपको रॉकफोर्ड सीरीज़ में तगड़े से तगड़ा साउंड चाहिए और बेस्ट प्राइस चाहिए, तो आप रोहित भैया का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि रोहित भैया ही पूरे करोल बाग में डिस्ट्रीब्यूटर है रॉकफोर्ड के, और जो बेटर रेट आपको भैया रोहित भैया दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, जो कि विवेक भाई को भी ऑलरेडी पता लग चुका है। सो साउंड का आउटपुट जो है वो एक बार मैंने आपको दिखा चुका है, और ऑल्टरनेटिव देखने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, विच इज़ ब्लॉक बाजार। और रोहित भैया को जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो बहुत मायने रखता है, विवेक भैया का जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस गया है, और रोहित भैया के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहे। एक बार भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर बता दें ताकि मेरे व्यूअर्स जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, और यहाँ पे लोकेशन भी एक बार बता दो किस तरीके से पहुँच सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 4185100 और नियर मेट्रो पिलर नंबर 88। सो 88 पिलर नंबर से अगर आप करोल बाग स्टेशन से 88 पिलर नंबर वाली साइड अगर आप आ रहे हो तो आपको लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट आते ही आपको फ्रंट में जो है आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग है, मल्टी लेवल कार पार्किंग के सेंटर में हमारी शॉप, सेंटर में शॉप है, विच इज सेकरी कार डेकोर। और वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखना है, और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो करते हैं।